हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2022 की जो न्यू केमिस्ट्री सिलेबस है, तो उस सिलेबस के बारे में और कौन सी टॉपिक, कौन सी बुक से तुम बढ़ोगे, कौन सा टॉपिक के ऊपर तुम्हें ज्यादा जोर देना चाहिए आईआईटी जैम क्रैक करने के लिए। तो मेरे पास कॉम्प्लीट यहाँ पे जो सिलेबस है, ठीक है, आईआईटी जैम 2022 का, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊंगा कौन सी टॉपिक की वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, कौन सी टॉपिक तुम ज्यादा पहले ध्यान दोगे, कहां से तुम्हारा नंबर ज्यादा आ सकता है। तो डेफिनेटली सब कुछ यहां पे तुम्हारे जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वहां पे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री की टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री की पहले जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो यहां पे पहले है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बेसिक क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल, ठीक है, और न्यूमेरिकल यहां पे उतना ज्यादा नहीं आता है ब्लैक बॉडी का। देन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस आर टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वांटम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से तुम्हारा न्यूमेरिकल्स भी आता है, ठीक है, उसके साथ साथ तो थ्योरी भी आता है, बोर थ्योरी। यहां से एक क्वेश्चन नेट में आ जाता है हर साल। जी बुगली, इसको अच्छे से पढ़ना है। पोस्टुलेट लैम्डा इक्वल बी इज बाय एमबी जो थ्योरी है वहां से तुम्हें न्यूमेरिकल्स आता है। हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग की जो अनसेंट्रिक प्रिंसिपल है यहां से भी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स आ जाता है। सोलिंजर वेव इक्वेशन जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है यहां से उतना क्वेश्चन तुम्हें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक दो आ जाता है साई और साई स्क्वायर की जो सिग्निफिकेंस है वहां से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इसकी जो डेरिवेशन इनके रिलेटेड उतना ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की पोस्टुलेट को थोड़ा पढ़ लेना है। नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनल एंड वेव फंक्शन जो यहाँ पे जस्ट बेसिक आता है, साई साई स्टेट जीरो होगा तो क्या होगा, वन होगा तो क्या होगा, जस्ट बेसिक। और नॉर्मलाइजेशन की जो तीनों क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मलाइज होना पड़ेगा, ये सारे क्राइटेरिया को एक बार पढ़ लेना क्योंकि यहां से भी तुम्हें क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है टू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड नंबर, ठीक है, ये उतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। जो मैंने बताया सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर ये वाला आता है। ऑपरेटर कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लेना है, ठीक है। और मेजर जो क्वेश्चन आता है क्वांटम की वो आता है पार्टिकल इन अ बॉक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल इन 1D 2D एंड 3D तीनों को ही देखना है, 1D 2D 3D तीनों को ही क्वेश्चन आता है। रेडियल एंड एंगुलर नोट निकालना यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है, जो नोट कैलकुलेशन होता है, रेडियल नोट कितने हैं, एंगुलर नोट कितने हैं, टोटल नोट कितने हैं, इन सारे की जो फॉर्मूलास है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना रखना नेट सेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हाइड्रोजन एटम की है और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो जितने भी प्लॉट्स है सारे प्लॉट को अच्छे से देखना है, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेशन और एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रम होता है लाइमन बामर पैसिन ब्रैकेट फूड हम्पिंस उन सबको एक बार देख लेना है। शेप देख लेना है, शेप से भी थोड़ा क्वेश्चन आता है। और पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, यहाँ बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम को एक साथ मार्च करके दिया गया है, होम्स रूल एंड जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहां से टर्म सिंबल निकालने के भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। टर्म सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिनेशन केमिस्ट्री में दिखाऊंगा टर्म सिंबल वहां से आ रहा है, वो भी एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम की इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा, नेक्स्ट मैं जाऊंगा गैस के लिए। अच्छा, यहाँ पे बता दू कौन सा बुक यहाँ पे पढ़ सकते हो, केएल कपूर पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया बुक है यहाँ पे। और इसके लिए तुम पुरी शर्मा पठानिया भी पढ़ सकते हो, वहां भी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ही बुक है, एक ही बुक में तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पुरी शर्मा पठानिया भी पढ़ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं जाऊंगा गैसियस स्टेट के बारे में, तो गैसियस स्टेट जो केटीजी है, केटीजी से बहुत ही क्वेश्चन आता है और यहाँ पे तुम्हें अच्छे से देख लेना है। काइनेटिक एंड मॉलिकुलर मॉडल ऑफ गैसेस, ठीक है, कॉलिशन फ्रीक्वेंसी लैम्डा, लैम्डा के साथ कॉलिशन डायमीटर का क्या रिलेशन है, प्रेशर का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, इन सारे रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉलिशन फ्रीक्वेंसी का एंड कॉलिशन डायमीटर, मेन फ्री पाथ जो मैंने बताया इन सब भी आया है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी इसके पहले उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता था, बट अभी इस साल तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर न्यू ऐड कर दिया गया है,
तो विस्कोसिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज्यादा, बेसिकली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे देखना कौन ज्यादा विस्कस होगा, तुम्हें तीन चार लिक्विड दे दिया जाएगा, व्हिच वन इज मोर विस्कस, यहां से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से भी क्वेश्चन आता है बेसिकली केटीजी में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, एनर्जी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी से न्यूमेरिकल आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, आइडियल गैस एंड इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस एंड रियल गैस कॉन्सेप्ट, उसके साथ वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्रिटिकल स्टेट एंड लॉस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, यहाँ से बेसिकली रिलेशन आता है। ठीक है, इस किसके साथ, टी आई के साथ, इन्वर्सन टेम्परेचर के साथ, इन सब की जो रिलेशन है ना, ये सारे रिलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद ये जो लिक्विड स्टेट चैप्टर देख रहे हो, एक न्यू चैप्टर है जो 2021 में ऐड किया गया, फर्स्ट टाइम IITJM की सिलेबस में लिक्विड स्टेट आए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये चैप्टर न्यू आया है तो मैं सबको बोलूंगा दिस चैप्टर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला इस बार जैम के लिए, क्योंकि मैथ को रिप्लेस करके यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट दिया गया है तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पहली बार जैम के सिलेबस में आया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो जो जैम 2022 एस्पिरेंट्स है तो इसके लिए लिक्विड स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 to 2 क्वेश्चन आएगा मिनिमम आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख के रखना है, इजी चैप्टर है। ठीक है, जस्ट जो न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर की, थोड़ा न्यूमेरिकल्स को देख के रखना है इसका। ठीक है, अच्छा बहुत लोग पूछता है जो, अच्छा मैं न्यूमेरिकल्स कहां से प्रैक्टिस करूं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। देखो मेरी चैनल में तुम्हें IITJM की लास्ट 32 इयर्स की जो फिजिकल केमिस्ट्री की सॉल्व है वो मिल जाएगा, वो दुनिया में किसी भी नहीं मिलेगा, वो मेरी चैनल में मैं अपलोड करके रखा, वहां पे देख लेना। उसके साथ साथ तुम अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो इसलिए तुम्हें पहाड़ी एंड पहाड़ी इस बुक को सॉल्व कर सकते हो, BSc के लिए बुक है। बहुत लोग RC मुखर्जी का बुक पढ़ते हैं बट वो 12th स्टैंडर्ड है, वहां पे तुम्हें बहुत कुछ चैप्टर की मैथ नहीं मिलेगा, जैसे क्वांटम इनकी मैथ तुम्हें नहीं मिलने वाला है, फोटोकेमिस्ट्री, तो इसके लिए तुम्हें BSc स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जो पहाड़ी एंड पहाड़ी, तुम्हें फ्लिपकार्ट या अमेजन में मिल जाएगा, अच्छा बुक है। अच्छा उसकी PDF नहीं है, नहीं तो मैं प्रोवाइड कर देता तुम लोगों को। अच्छा, और अगर तुम और भी प्रैक्टिस करने के चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी चैनल अबाउट में भी है, लगभग वहां पे दुनिया की सारे बुक तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का। अच्छा उसके बाद इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ टिमेंट, जैसे विस्कोसिटी देखना गैस में यहाँ पे भी था। ठीक है, मैंने इसलिए बोला था ना विस्कोसिटी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो गैस और लिक्विड दोनों में ही आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है सॉलिड के बारे में, हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर सॉलिड के बारे में देखेंगे तो सॉलिड इज द वन ऑफ द हॉट टॉपिक बता सकते हो, IITJM यूनिट सेल कॉन्सेप्ट, मिलर इंडेसिस, ठीक है, वेस इंडेसिस, इन जो कॉन्वर्शन है इन सबको, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रैबिस लैटिस, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है जो कितने ब्रैबिस लैटिस है, इन सब की स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, देखना मेरे एक ट्रिक्स है क्यूट आवर मदर, वहां पे साथ जितने भी ब्रैबिस लैटिस है साथ, तो उसका शेप एंगल सब पता है। उसके साथ इसकी जो क्रिस्टल सिस्टम है इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक्सरे डिफ्रेक्शन, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से आता है, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली है वो टेक्निक, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से आता है, ब्रैक्स लॉ इन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, CaCl, KCl, इन सब की स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब को देख के रखना है। यहां पे और भी कुछ नहीं है जैसे ZnS, ठीक है, ऐसे BF3 तुम्हें ऐसे दे देगा जो इसकी कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है बताओ। तो उसके लिए रेडियस रेशियो रूल को जो है उनको अच्छे से पढ़ के रखना है, डायमंड, ग्राफाइट, इन सब का भी जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है, ओके। उसके बाद क्लोज पैकिंग, मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो डिफेक्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, ये डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रंकेल डिफेक्ट, मेटल एक्साइज डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट, जितने भी डिफेक्ट्स है उनको अच्छे से पढ़ के रखना है। सेमीकंडक्टर्स, जो सेमीकंडक्टर्स कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से देखना, एन टाइप, पी टाइप, इंसुलेटर, डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस एनर्जी जो मैंने अभी बोला। ठीक है, अच्छा पैकिंग, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन मतलब वो SCC का 52.4%, BCC, FCC वो पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, और आइसोमॉर्फिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से देख के रखना।
देखो बुक में हमेशा ये सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ तुम लोग, ठीक है। तुम लोग जब भी आईआईटी जैम की कोई तैयारी कर रहे हो सिलेबस को थॉरली फॉलो करो, एक एक टॉपिक एक एक सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, इसको हमेशा दिमाग में घुसा लो, कोई भी टॉपिक को क्या करना है स्किप नहीं करना है। ओके उसके बाद हम लोग आएंगे थर्मोडायनामिक सेक्शन में। थर्मोडायनामिक सेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जहां से बेसिकली स्टेट फंक्शन पार्ट फंक्शन कॉन्सेप्ट आता है उनको अच्छे से देख के रखना, पार्शियल डेरिवेटिव ये बेसिकली बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ को थोड़ा लगेगा यहाँ पे, यूलर रेसिप्रोसिटी साइक्लिक रूल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल बहुत आता है, थर्मोडायनामिक फंक्शन एंथैल्पी यहाँ पे तो अच्छे से देखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी, इनकी जो न्यूमेरिकल्स है यहाँ से आता है, और उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन और थर्मोडायनामिक पैरामीटर कॉम्पोजिट गिब ड्यूम इक्वेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब ड्यूम इक्वेशन, ठीक है, इसको भी अच्छे से देखना है और इसकी पोटेंशियल एंड एप्लीकेशन। ओके अच्छा लास्ट जो रहा है केमिकल एंड फेस इक्विलिब्रियम, थर्मो केमिकल थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट है, मतलब इसको जानने के बाद इसको ही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ना मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या होता है इससे बहुत ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस टॉपिक से डरता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्यों डरता है, आई थिंक न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए हो सकता है जो डरता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिस में परफेक्ट, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तुम्हें अच्छे से नहीं बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ मास एब्सेंट एक्सेन केपी केसी केक्स केन इन सबका इफेक्ट्स न्यूमेरिकल्स आता है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन केक्स, लॉस एट लीस प्रिंसिपल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयन इक्विलिब्रिया पीएच बफर ये सब कैलकुलेशन, एसिडिक बफर बेसिक बफर न्यूट्रल बफर इन सब की एग्जांपल, हेंडरसन इक्वेशन यहां इसकी न्यूमेरिकल्स, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, एसिड बेस्ड कार्ब, एसिड बेस्ड की जितनी भी कार्ब है, इंडिकेटर कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, डायल्यूट सॉल्यूशन, राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ, ठीक है, मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पोर्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा पेपर प्रेशर में तुम पहले पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन चैप्टर में भी वहां पे भी तुम्हारा है राउल्स लॉ, ये दो बार दिया गया है, वैसे हेनरी लॉ तुम्हारा गैसियस कंपाउंड के लिए, ठीक है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिब्स फेज रूल, फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सीओ टू बेसिकली हम लोग की सिलेबस में है, सीओ टू और वाटर का जो फेज डायग्राम, ठीक है, सल्फर का भी थोड़ा देख के रखना, ठीक है, सल्फर का जो चारों फेज है, सल्फर स्किप कर लेता है बहुत लोग, बट सल्फर को भी थोड़ा देख के रखना, फेज इक्विलिब्रिया सिंगल एंड टू कंपोनेंट फेज सिस्टम डायग्राम, यहाँ पे सिंगल और टू कंपोनेंट मेंशन है बट फिर भी सल्फर को थोड़ा देख के रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्डक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्डक्टिविटी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्डक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कॉन्डक्टेंस, कॉन्डक्टेंस को अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है, तो कॉन्डक्टेंस से बहुत क्वेश्चन आता है, एंड कोल्ड लॉसेस लॉ डी वाई हुकेल ओसागर थ्योरी आयनिक वेलोसिटी इन सबको भी अच्छे से देख के रखना, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है, मोबिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेंस इन सब तुम्हें पुरी शर्मा पठानिया में अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, पुरी शर्मा पठानिया पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा, मोबिलिटीज ट्रांसपोरेंस नंबर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डक्टेंस मेजरमेंट एंड क्वांटिटी क्वालिटेटिव एस क्वांटिटी है क्या पढ़ रहा है क्वालिटेटिव क्यों पढ़ रहा है क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फैराडे लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, मेटलर्जी इंडस्ट्री यहां पे उतना नहीं आता मेटलर्जी इंडस्ट्री से फिर भी थोड़ा देख के रखना, ठीक है, नॉन्स इक्वेशन हॉट टॉपिक बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंसेंट्रेशन सेल्स विद एंड विदाउट ट्रांसपेरेंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन इन सारे जितने भी टाइट्रेशन है इसकी प्लॉट एंड इसकी जो बेसिक जो आइडिया है बेसिक जो
इक्वेशन है, इनको अच्छे से देख के रखना है। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा काइनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट। काइनेटिक्स तो बहुत ही हॉट टॉपिक है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, इनको अच्छे से समझना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा तो कोई भी क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाओगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन फॉर्म, रेट एक्सप्रेशन, बेसिक आइडिया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल, काइनेटिक, ऑपोजिंग, पैरेलल, कंसेक्यूटिव एंड स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन, सब कुछ यहां पे देखना है। पैरेलल रिएक्शन एंड कंसेक्यूटिव रिएक्शन सब कुछ पढ़ना है यहां पे, ठीक है। स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन से तो बहुत ही क्वेश्चन आता है। चेन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लिंडरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाई प्रेशर में तुम्हारा फास्ट ऑर्डर और लो प्रेशर में तुम्हारा जीरो ऑर्डर, ठीक है, जो लिंडरमैन है इसको अच्छे से देख के रखना है। सॉरी मैंने लिंडरमैन गलत बोल दिया, हाई प्रेशर में तुम्हारा हाई प्रेशर ज्यादा है तो फास्ट ऑर्डर, लो प्रेशर में तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, आरहेनियस इक्वेशन से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता है। एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस, इसके कैटलिस्ट कॉन्सेप्ट, माइकल्स मेंटेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। माइकल्स मेंटेन से एसिड बेस कैटलिसिस से भी क्वेश्चन को पढ़ना है। एडसॉर्प्शन एकदम इजी टॉपिक है, डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता है। ये जो गिब्स एडसन थ्योरी और एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, सरफेस फिल्म्स ऑफ लिक्विड, ये उतना नहीं आता है, सरफेस फिल्म गिवन है। और यहाँ पे यूनिलेयर एंड मल्टीलेयर दोनों की प्लॉट को देखना है, जैसे बेड आइसोथर्म सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट आता है, ठीक है। मोनो मल्टीलेयर में प्लॉट जैसे होगा, जैसे मोनो में ऐसे होगा, ठीक है, और मल्टी में तुम्हारा ऐसे होगा। तो ये जो मोनो और मल्टी की जो प्लॉट है इनको भी अच्छे से देख के रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है, आई थिंक थोड़ा कैमरा घूम गया ना इधर, आई थिंक थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलो सही है जी। उसके बाद आता है जीओसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीओसी जो है, जीओसी को कॉम्प्लीट, जीओसी को तो अच्छे से पढ़ना है, ईच एंड एवरी, जीओसी को कुछ भी छोड़ना नहीं है। रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेडी इफेक्ट, इनको सबको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, जितने भी है। अच्छा, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इसके साथ ही दिया गया है, आइसोमरिज्म विद एंड विदाउट स्टीरियोमर, एलिन, बाइफिनाइल कॉन्फॉर्मेशन, ये सब मेरे चैनल में गिवन है, सब लोग देख लेना। सब्स्टिट्यूटेड इथेन एंड साइक्लिक सिस्टम, जैसे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे मेंशन तो बहुत ही कम है, बट ये ह्यूज अमाउंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पे तो दो लाइन में छोड़ के रख दिया, बहुत सारे टॉपिक को नहीं लिखा है, ठीक है, बट यहाँ पे ह्यूज स्टीरियोकेमिस्ट्री पोर्शन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे जैम की सिलेबस में, यहाँ पे मेंशन उतना अच्छे से नहीं किया गया है सारे टॉपिक को, ठीक है। बहुत सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा, हम लोग जो नेम रिएक्शन वहां पे जाएंगे, ठीक है। देखो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट्स है हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे, वही इंटरमीडिएट यहाँ पे है, जो है कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रीन, ये तो हम बेंजाइन, ये हम लोग जीओसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, हॉफमैन कार्डिस लॉजेन, ठीक है, वुल्फ रीअरेंजमेंट, सेमन स्मिथ, राइमर टीमैन, माइकल रिएक्शन, डार्जेन गायसिडिक एस्टर सिंथेसिस, विटिक रिएक्शन, मैक मोडी, पिनाकोल, पिनाकोलन, फेबोस्की, एनएसिड, बेयर बिलीजर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स, ऑर्गेनोमेटलिक में ग्रीक नट, लिथियम है, ऑर्गेनोक्रॉपर है, ऑर्गेनोजिंक मतलब रिफॉर्मेट्स की, डील सेल्डर मेंशन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ठीक है, डील सेल्डर यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है, इस साल यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिग्मा ट्रॉपिक भी रहेगा, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन मतलब एफजीआई रेट्रोसिंथेसिस एंड
स्ट्रक्चरल प्रॉपर यूजिंग केमिकल। देखो ये जो रेट्रोसिंथेसिस है, तुम्हें डायरेक्टली तो रेट्रो से क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलने वाला जो रेट्रो से डायरेक्ट दे दिया, पर दूसरे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें रेट्रो का क्वेश्चन घुसाएगा, ठीक है। मतलब बैक कैलकुलेशन, हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करते हैं, बट रेट्रो में क्या करेगा, तुम्हें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस जाना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑर्गेनिक एनालिसिस अगर देखे तो प्रैक्टिकल यहाँ बहुत ही अच्छे से एनएमआर को मेंशन है, आइडेंटिफिकेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो जितने हैं, लेसाइन टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जितने भी एसिड टेस्ट, ऐसे टेस्ट बोलकर छोड़ दिया, बट टेस्ट तुम्हें सारे ग्रुप की करना है, एमिन की टेस्ट, नाइट्रो की टेस्ट, मुलिकान वर्कर, सारे टेस्ट यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। UBIR NMR ये सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, ये सारे जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना है, यूबी को, आईआर को और एनएमआर को, ये सबसे मास्टरमाइंड है, ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी की टॉपिक, क्योंकि अगर तुम्हें फ्यूचर में स्टडी करना है, रिसर्च में जाना है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से पढ़ लो बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, जहाँ पे अल्कलॉइड, स्टेरॉइड, टारपीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, दो तीन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में है एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, यहाँ पे बेसिकली मोनोसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक, यहाँ मोनोसाइक्लिक बेसिकली बात कर रहा है, जैसे फ्यूरान, पाइरोल, थायोपिन, इन सब की कंपाउंड की बात किया जा रहा है यहाँ पे, उसके साथ इसकी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सबको देखना है, ठीक है। यहाँ पे मोनोसाइक्लिक एंड उसके साथ बाइसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक भी दिया गया है, बाइसाइक्लिक जैसे इंडोल, ठीक है, क्विनोलिन, ठीक है, इसका बात कर रहा है, तो मोनोसाइक्लिक एंड बाइसाइक्लिक दोनों इंपॉर्टेंट, ट्राइसाइक्लिक भी दिया गया है, ट्राइसाइक्लिक उतना यहाँ पे नहीं आता है, बट फिर भी पढ़ के रखना है, ट्राइसाइक्लिक जैसे एंथ्रासीन, फिनांथ्रासीन, इन सारे कॉम्पाउंड की, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल आएंगे, पीरियोडिक टेबल एकदम बेसिक है, जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन और जो ग्रुप ट्रेंड उनको देखना है, आउपाव प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी वेरिएशन, ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो जेड इफेक्टिव है उसको देखना है, एटॉमिक कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जो आईपी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब कुछ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंप्लीट जो मतलब तुम बचपन में पढ़ रहे हो वही पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ऐसे कोई बात नहीं, जो जैम लेवल है तो कुछ चेंज हुआ है, लगभग सब कुछ सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल मतलब जो मेटलर्जी प्रोसेस है, जनरल ऑफ मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू प्रिंसिपल यहाँ पे घुसा गया है, एलिंगम डायग्राम, ठीक है, एलिंगम डायग्राम इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आयोनिक बॉन्ड्स कॉन्सेप्ट जो भी है, ठीक है, पैकिंग ऑफ आयन्स, क्रिस्टल, रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल हम लोग सॉलिड में भी पढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वेशन, ये भी सॉलिड का ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, कापोस्टिनिक्स की एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद मेगुलन कांस्टेंट, ये तुम्हें सब बॉन्ड लैंडी में मिल जाएगा, बॉन्ड हार्वर्ड साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, फैजन्स रूल, कोवेलेंट बॉन्ड, लुईस स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी का जितने भी मतलब एमओटी, डाइएटॉमिक एंड सिंपल पॉलीएटॉमिक आयंस, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा पाई अप्रोच, ठीक है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, वैन डर वाल फोर्स, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्स, ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इन सबको बोला गया है, ठीक है, इन सारे इंटरेक्शन को देखना है, बीएसपीआर थ्योरी एंड शेप एंड आयंस, मतलब इसका भी अच्छे से देखना है, हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है, यहाँ पे मेजिकली बेसिकली जो भी फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लॉन्डन फोर्स, इन सारे फोर्स का इफेक्ट क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट में, स्ट्रक्चरल फीचर्स में, हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है,
मेन ग्रुप एलिमेंट्स में बेसिकली रिएक्शन है सारी ग्रुप वाइज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब की जो रिएक्शन है इसको अच्छे से पढ़ना है. रिएक्शन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन आर्ट मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, इन सब की पढ़ना है. लाइका एमोनिया में जो मेटल आता है तो जो ब्लू कलर की सॉल्यूशन हो जाता है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट, ग्रेजुएशन, रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, बेसिकली इनर्ट पीआर इफेक्ट, सारे जो इफेक्ट्स है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इन सारे यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा याद रखने की चीज है. ऑक्सो एसिड कितना, सल्फर सल्फर बॉन्ड, पीपी बॉन्ड, बोराजीन, फॉस्फोरस, ठीक है. बोराजीन की जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बोरॉन की जो रिएक्शन है ये अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली देखा जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है. बोरॉन केमिस्ट्री की जो जितने भी रिएक्शन है वहां से. उसके बाद आता है ट्रांजिशन मेटल, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ठीक है. इसकी एमओ अप्रोच, सीएफटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सीएफटी तुम्हारा यहाँ पे आता है, सीएफटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीएफटी बहुत क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है. थियोरिटिकल अप्रोच, कलर, कलर प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है. मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्पाउंड्स, मेटल लिगेंड बॉन्ड, कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, इन सारे मल्टीपल बॉन्ड, विल्किंसन कैटलिस्ट, जो होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस दोनों कैटलिस्ट को ही पढ़ना है. यहाँ पे तो होमोजेनियस मेंशन है, हेट्रोजेनियस मेंशन नहीं है, बट हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट को भी अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है. ड्यू में बहुत क्वेश्चन आता है. देन बायो इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक उतना ज्यादा नहीं आता, एकदम ही छोटा आता है. एसेंशियल ऑफ ट्रीज एंड एलिमेंट्स लाइक, ये मेरी कॉम्प्लीट चैनल में अच्छे से गिवन है, ठीक है, देख लेना. और एक प्लेलिस्ट है अलग से, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द रोल ऑफ मेटल आयन, स्पेशली Fe2+, Zn2+, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं गिवन है. जैसे मेटल की फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेटल कहाँ है, जैसे कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, ठीक है, उसकी फंक्शन क्या है. इनके सारे जो मेटल, हीमोसायनिन में कॉपर होता है, ब्लू ब्लड, हिमेथ्रिन में आयरन होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, इनको भी अच्छे से देखना है. उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एंड मेथड ऑफ एनालिसिस, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिंपल एप्लीकेशन, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कैलोरीमेट्री है बेसिकली, ठीक है, ग्रेविमेट्री को भी थोड़ा देख के रखना है. एनालाइज्ड जो वाटर, सॉइल वाटर, ये उतना नहीं आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं आता है, ठीक है. बहुत लोग इसको स्किप भी कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ना आने की बराबर है. जो बीओडी सीओडी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट नहीं आता है. उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनालिसिस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ, एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, टाइट्रेशन ऑफ EDTA का, EDTA का मेकानिज्म, स्ट्रक्चरल फीचर्स, ये सब को देखने रखना है. EDTA, DMG, इन सब कितने डेंटिसिटी है, स्ट्रक्चर क्या है, बाइंडिंग कैसे करता है, इन सब को अच्छे से देखना है. यूज ऑफ टाइप्स, इंडिकेटर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस, कौन सा रिएजेंट यूज होता है. रेडियो एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. रेडियो एक्टिविटी न्यूमेरिकल्स आता है यहाँ से बहुत ज्यादा. न्यूक्लियर रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इरर एनालिसिस. इरर एनालिसिस जैम के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं आता है, बट इसकी एप्लीकेशन बहुत है, क्योंकि जैम में जब तुम नेट क्वेश्चन करोगे तुम्हें बोल देगा 2 decimal place, अप टू 3 decimal place, इसको जो राउंडिंग ऑफ करना, इस राउंडिंग ऑफ को हम लोग यहाँ से ही पढ़ते हैं इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में. उसके बाद आता है एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी को भी अच्छे से देखना है, बेसिक मैथ है, यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हें आएगा. तो यही तुम्हारा सिलेबस था, ठीक है. तुम लोगों को कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसी टॉपिक डेफिनेटली तुम लोगों को क्लियर करूंगा. तो ऑल द बेस्ट, ऑल जैम एस्पिरेंट्स, अच्छे से पढ़ो और तुम्हारे जो ड्रीम एग्जाम है उसको क्रैक करो. तुम्हारे ड्रीम एग्जाम के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. कोई भी जरूरत हो तुम एक बार मुझे कॉमेंट में डाल दो, टेलीग्राम में मेरे जाओ, देखना मेरी अबाउट में लिंक है, वहां पे जाकर तुम लोग जा सकते हो. IIT जैम केमिस्ट्री वहां पे जाओगे, वहां पे भी तुम्हें मेरे से तुम लोग बात कर सकते हो, कोई भी तुम लोग अगर दिक्कत हो तो. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय.